वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डीएमएलटी एंड डीआरटी स्टूडेंट। हिमेटोलॉजी के अंदर टुडेज लेक्चर ऑन हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन, यानी हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन के ऊपर अपन क्या है आज डिस्कस करेंगे कि उसका डिग्रेडेशन कैसे होता है स्प्लीन के अंदर। आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, क्या हीमोग्लोबिन का भी डिग्रेडेशन होता है। प्रीवियस लेक्चर समरी, यानी पीछे के लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस की थ्योरी पढ़ी थी कि उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो एक बार उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के अंदर क्या स्टेप होते हैं, तो अपन किससे शुरू करेंगे, स्टेप फर्स्ट से, जिसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में सक्सिनाइल कोएंजाइम प्लस ग्लाइसिन मिलके क्या बनाते हैं, अमाइनो डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड बनाते हैं। फिर के डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड से लेकर पोर्फोबिलिनोजन तक बनने का जो प्रोसीजर है वो कहां किस में आता है, फर्स्ट स्टेप में आता है। तो सिंथेसिस ऑफ पीबीजी यानी पोर्फोबिलिनोजन का फॉर्मेशन, सबसे पहले एएलए सिंथेस एंजाइम जो क्या करता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एंड ग्लाइसिन कंबाइन टू फॉर्म डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड, यानी सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड बनाते हैं। इन दिस रिएक्शन एएलए यानी अमाइनो लिवोलिनिक एसिड सिंथेस एंजाइम इज यूज्ड एंड दिस रिएक्शन टाइप ऑफ डीकार्बोक्सिलेटेड, और इस रिएक्शन के अंदर इस प्रोसीजर के अंदर अमाइनो लिवोलिनिक एसिड सिंथेस एंजाइम काम में आता है, और ये रिएक्शन किसके द्वारा कैटलाइज की जाती है, और इस रिएक्शन का टाइप क्या है, डीकार्बोक्सिलेटेड या डीकार्बोक्सिलेशन टाइप की होती है, यानी कार्बन के मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इसमें बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट, सिंथेस ऑफ एएलए यानी डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ये जो सारी प्रोसीजर होती है ये किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। नीचे एक रिएक्शन है जिसके अंदर क्या है, ग्लाइसिन प्लस में सक्सिनाइल कोएंजाइम में दोनों क्या है कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं, डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड बना रहे हैं। प्लस में क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और कोएंजाइम ए। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पोर्फोबिलिनोजन यानी पीबीजी। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, यानी जो आपने डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में बनाया था वो अब किस में आ गया है, साइटोप्लाज्म में। और ये जो फॉर्मेशन ऑफ पीबीजी है यानी पोर्फोबिलिनोजन है वो किस में होता है, साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में। द डिहाइड्रेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ एएलए यानी अमाइनो लिवोलिनिक एसिड टू फॉर्म पोर्फोबिलिनोजन बाय द एंजाइम एएलए डिहाइड्रेटेड, यानी क्या है कि दो मॉलिक्यूल किसके मिलके, डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड के मिलके क्या फॉर्म करते हैं, पोर्फोबिलिनोजन फॉर्म करते हैं, और कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, अमाइनो लिवोलिनिक एसिड डिहाइड्रेटेड एंजाइम की प्रेजेंस में। नेक्स्ट, द एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय हैवी मटेरियल लेड, और जो एंजाइम है उसकी जो रिएक्शन करने की प्रोसीजर है उसको इनहिबिट कर देते हैं कुछ मटेरियल, उसके अंदर क्या है लेड यानी लेड धातु जो है पीबी, वो क्या है इस रिएक्शन को इनहिबिट कर सकती है, रोक सकती है, यानी एंजाइम का जो प्रोसीजर है उसको कम कर देती है। नेक्स्ट, दो मॉलिक्यूल है किसके, डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड के जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पोर्फोबिलिनोजन में प्लस H2O, यानी वाटर के मॉलिक्यूल इसमें क्या है बाहर निकल रहे हैं। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद क्या आती है, स्टेप सेकंड ऑफ हीम सिंथेसिस, यानी स्टेप सेकंड के अंदर क्या है, हीम पार्ट जो है वो क्या होता है, स्टेप सेकंड के अंदर क्या फॉर्म होता है, सिंथेसिस ऑफ यूरोपोरफाइरिनोजन यानी पोर्फोबिलिनोजन से क्या फॉर्म होता है, यूरोपोरफाइरिनोजन। फोर मॉलिक्यूल ऑफ पोर्फोबिलिनोजन कंबाइन टू फॉर्म ए लाइनर टेट्रापायरोल हाइड्रोक्सीमिथाइल बिलिनोजन, यानी चार मॉलिक्यूल किसके मिलके, पोर्फोबिलिनोजन के मिलके क्या बनाते हैं, एक लाइनर टेट्रापायरोल बनाते हैं, हाइड्रोक्सीमिथाइल बिलिनोजन बनाते हैं। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय पोर्फोबिलिनोजन डीअमाइनेज एंजाइम, और यह जो रिएक्शन है वो किसके द्वारा पूरी की जाती है, पोर्फोबिलिनोजन डीअमाइनेज एंजाइम के द्वारा। नेक्स्ट,
तीसरी एक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, फोर मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इज रिलीज। और यह जो रिएक्शन होती है यूरोपोर्फोबिलिनोजन से हाइड्रोक्सी पोर्फोबिलिनोजन से हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलिनोजन बनने की जो प्रोसीजर है वो किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू यूरोपोर्फायरिनोजन फर्स्ट बाय हाइड्रोक्सी मिथाइल सिंथेज एंजाइम। और फिर क्या होता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलिनोजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यूरोपोर्फायरिनोजन फर्स्ट में और हाइड्रोक्सी मिथाइल सिंथेज एंजाइम के द्वारा। नेक्स्ट, यूरोपोर्फायरिनोजन थर्ड को सिंथेज। तो इसके अंदर क्या है, यूरोपोर्फायरिनोजन फर्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू यूरोपोर्फायरिनोजन थर्ड बाय द यूरोपोर्फायरिनोजन थर्ड को सिंथेज एंजाइम। और फिर क्या है, यूरोपोर्फायरिनोजन फर्स्ट जो बना था वो किसमें कन्वर्ट होता है, यूरोपोर्फायरिनोजन थर्ड के अंदर कन्वर्ट होता है। और ये एंजाइम कौन सा काम में आता है, यूरोपोर्फायरिनोजन थर्ड को सिंथेज एंजाइम काम में आता है इस रिएक्शन में। नेक्स्ट स्टेप थर्ड, कन्वर्जन ऑफ यूरोपोर्फायरिनोजन टू प्रोटोपोर्फायरिनोजन, यानी यूरोपोर्फायरिनोजन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटोपोर्फायरिनोजन में। तो इसमें देखिए, यूरोपोर्फायरिनोजन थर्ड कन्वर्टेड इनटू कोप्रोपोर्फायरिनोजन थर्ड बाय डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम बाय ऑल द एसीटेट विच चेंज द मिथाइलिन। यानी यूरोपोर्फायरिनोजन थर्ड किसमें कन्वर्ट होता है, कोप्रोपोर्फायरिनोजन थर्ड के अंदर कन्वर्ट होता है बाय डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। कौन से एंजाइम के द्वारा, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा। और इसके इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो एसीटेट सब्स्टिट्यूटेड चेन थी किसमें, यूरोपोर्फायरिनोजन में, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कोप्रोपोर्फायरिनोजन में मिथाइल में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, और यह रिएक्शन भी कौन सी जगह होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट, कोप्रोपोर्फायरिनोजन थर्ड देन एंटर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और कोप्रोपोर्फायरिनोजन थर्ड जो है वो किसमें एंट्री कर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर एंट्री कर जाता है, साइटोप्लाज्म से वो चल के किसमें चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। वेयर इट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोटोपोर्फायरिन बाय द एंजाइम कोप्रोपोर्फायरिन ऑक्सीडेज। और फिर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है कि कोप्रोपोर्फायरिन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटोपोर्फायरिन में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से एंजाइम के द्वारा, कोप्रोपोर्फायरिन ऑक्सीडेज के द्वारा। नेक्स्ट है पोरफायरिन ऑक्सीडेज, तो द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटोपोरफायरिन टू प्रोटोपोरफायरिन इज कैटलाइज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम फॉर प्रोटोपोरफायरिन ऑक्सीडेज। यानी प्रोटोपोरफायरिन 8 का प्रोटोपोरफायरिन 9 के अंदर जो कन्वर्जन है वो एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम प्रोटोपोरफायरिन ऑक्सीडेज के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेप 4, फॉर्मेशन ऑफ हीम बाय कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन, यानी हीम जो पोर्शन था हीमोग्लोबिन का उसका फॉर्म होना किसके कॉम्बिनेशन से, आयरन के कॉम्बिनेशन से। दिस इज फाइनल स्टेप इन हीम सिंथेसिस, यानी हीम सिंथेसिस के अंदर ये लास्ट स्टेप है, अंतिम चरण है। इट इन्वॉल्व्स द इनकरप्शन ऑफ आयरन इनटू प्रोटोपोरफायरिन इन दिस रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन के अंदर प्रोटोपोरफायरिन के अंदर आयरन का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय फिरोसिलिटेज एंजाइम, और यह जो रिएक्शन है वो कौन से एंजाइम के द्वारा कैटलाइज की जाती है, फिरोसिलिटेज एंजाइम के द्वारा। नेक्स्ट, हीम पार्ट इज कंबाइंड विद ग्लोबुलिन चेन टू फॉर्म हीमोग्लोबिन, और हीम पार्ट जो किसमें कन्वर्ट होता है, यानी किसके साथ कंबाइंड हो जाता है, ग्लोबुलिन चेन के साथ कंबाइंड हो जाता है, तो क्या बन जाता है, हीमोग्लोबिन बन जाता है। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ हीम सिंथेसिस, यानी हीम सिंथेसिस को रेगुलेट कौन सी चीजें करती है, तो सिंथेस डेल्टा अमाइनो लियोलिनिक एसिड इज द की रेगुलेटरी एंजाइम इन हिपेटिक बायोसिंथेसिस ऑफ हीम। यानी जो सबसे पहली स्टेप का जो एंजाइम था, यानी ग्लाइसिन प्लस में सक्सिनाइल को एंजाइम ए को जो डेल्टा अमाइनो लियोलिनिक एसिड में कन्वर्ट करता है, उस रिएक्शन को मेंटेन करने वाला जो एंजाइम है वो क्या है, इसका मैन की है, यानी सबसे बड़ी चाबी। आपको पता है जब कोई चीज स्टार्ट ही नहीं होती तो उसका
बनना इम्पोसिबल है। इसीलिए क्या है, सिंथेस डेल्टा एमाइनो लिनोलेनिक एसिड एंजाइम क्या इसका रेगुलेटरी एंजाइम है। नेक्स्ट फैक्टर दैट इफेक्ट हीम सिंथेसिस, यानी ऐसे फैक्टर्स जो क्या है हीम सिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले है लेड यानी पीबी, इनहिबिट स्टेप कैटलाइज्ड बाय एएलए डिहाइड्रेटेज और फिरोसिलिटेज एंजाइम। लेड जो धातु है या मेटल है वो दो स्टेप को यानी इट इनहिबिट करती है, उनको रोक सकती है। पहली तो क्या, जो एएलए डिहाइड्रेटेज एंजाइम के द्वारा स्टिमुलेट की जाती है, और दूसरी कौन सी स्टेप है, जो फिरोसिलिटेज एंजाइम के द्वारा स्टिमुलेट की जाती है। इन दोनों स्टेप को लेड क्या है रोक सकती है। आपने क्या बताया था, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। आज का लेक्चर किसके ऊपर है, सिंथेसिस का मतलब तो होता है किसी चीज का बनना, और आज का लेक्चर किसके ऊपर है, हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन के ऊपर, यानी हीमोग्लोबिन का वापस टूटना। इन द ह्यूमन बॉडी अप्रोक्सीमेटली 100 टू 200 मिलियन आरबीसी ब्रेक डाउन एवरी आवर, यानी ह्यूमंस के अंदर 100 से 200 मिलियन जो आरबीसी है वो क्या है, प्रत्येक घंटे के अंदर ब्रेक डाउन होती है, टूटती है। आपको पता है आरबीसी का जो लाइफ स्पान है या जीवन काल है वो कितने दिन होता है, 120 दिन, और 120 दिन के बाद उसकी लाइफ क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, और वो स्प्लीन के अंदर जाके क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाता है, वो टूट जाती है। तो एक घंटे के अंदर कितनी है मिलियन, 100 से 200 मिलियन आरबीसी क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होती है एक घंटे के अंदर। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ब्रिंग्स इन एरिथ्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलो एंडोथेलियम सेल्स ऑफ लिवर स्प्लीन बोन मैरो एंड स्किन। और क्या है हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन भी उसके अंदर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसके अंदर, रेटिकुलो एंडोथेलियम सेल्स के अंदर, लिवर की या स्प्लीन की या बोन मैरो की सेल्स के अंदर। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज डिग्रेडेड टू, यानी हीमोग्लोबिन कौन से कंपोनेंट में डिग्रेडेड होता है, टूटता है। तो इसके तीन पोर्शन बनते हैं, पहला तो ग्लोबुलिन पोर्शन जो क्या है प्रोटीन पोर्शन है जो किसमें चला जाता है, अमाइनो एसिड है जो मेटाबॉलिज्म में काम में आ जाते हैं। दूसरा है हीम जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बिल्ड्रुबिन के अंदर, और जो बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तीसरा पोर्शन है आयरन, ट्रांसपोर्टेड विद ट्रांसफेरिन एंड यूज इन द नेक्स्ट हीम बायोसिंथेसिस, यानी आयरन को क्या है अपन रिसाइकिल कर लेते हैं, रीयूज में ले लेते हैं, उसको ट्रांसफेरिन प्रोटीन के साथ वो अटैच हो जाता है स्प्लीन से, और वो क्या है बोन मैरो के अंदर चला जाता है, वहां पे वो हीम सिंथेसिस के अंदर वापस काम में आ जाता है। नेक्स्ट है नॉट ओनली हीमोग्लोबिन बट अदर हीमोप्रोटीन आल्सो कंटेन हीम ग्रूम्स विच आर डिग्रेडेड बाय द सेम पाथवे। नॉट ओनली हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन ही ऐसा एक अकेला कंपोनेंट नहीं है, अदर हीम प्रोटीन यानी और हीम से जुड़ी हुई जो प्रोटीन है वो भी क्या है इसी तरीके से या सिमिलर पाथवे के अंदर क्या है डिग्रेडेड यानी टूटती है। तो सबसे पहले देखिए इन द ह्यूमन बॉडी अप्रोक्सीमेटली 100 टू 200 मिलियन आरबीसी ब्रेकडाउन एवरी आवर, यानी ह्यूमंस के अंदर 100 से 200 मिलियन आरबीसी प्रत्येक घंटे में क्या होती है ब्रेकडाउन होती है टूटती है। नेक्स्ट ब्रेकडाउन, अगर आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तो हीमोग्लोबिन का भी ब्रेकडाउन होगा या डिग्रेडेशन होगा। तो डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बिगेन्स इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियम सेल्स ऑफ लिवर स्प्लीन बोन मैरो एंड स्किन। पर हीमोग्लोबिन का भी डिग्रेडेशन होता है लिवर स्प्लीन या बोन मैरो और स्किन की रेटिकुलो एंडोथेलियम सेल्स के अंदर। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन इज डिग्रेडेड टू, यानी हीमोग्लोबिन कौन से मॉलिक्यूल में टूटता है, तो हीमोग्लोबिन तीन प्रकार के मॉलिक्यूल में टूटता है, एक तो ग्लोबुलिन प्रोटीन में यानी हीम प्लस में ग्लोबुलिन, एक तो हीमोग्लोबुलिन में यानी एक तो ग्लोबुलिन प्रोटीन में, एक हीम में, और तीसरा पोर्शन कौन सा है आयरन। और अकेला हीमोग्लोबिन ही नहीं इस पाथवे में ब्रेक डाउन होता है या डिग्रेडेड होता है, अदर जो हीम से जुड़ी प्रोटीन है वो भी इसी सिमिलर पाथवे में क्या होती है डिग्रेडेड होती है, ब्रेक डाउन होता है उनका।
नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ हीम सिंथेसिस, यानी हीम सिंथेसिस के अंदर कौन सी चीजें आती है। तो सबसे पहले क्या दिखाई गई है ऊपर, एरिथ्रोसाइट यानी एक आरबीसी सेल जिसका लाइफ स्पैन क्या हो गया, पूरा हो गया 120 दिन। फिर एरिथ्रोसाइट से क्या निकाल लिया, हीमोग्लोबिन पिगमेंट निकाल लिया। तो हीमोग्लोबिन को फिर क्या है, दो पोर्शन के अंदर डिवाइड किया गया है, एक तो हीम प्लस में ग्लोबुलिन। हीम जो पोर्शन है वो क्या है, आगे वापिस काम में आ जाता है किसके अंदर, रीयूज करने के अंदर, और ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है, ठीक है। अमाइनो एसिड जो है हीम प्लस में ग्लोबुलिन, और ग्लोबुलिन जो पोर्शन है वो अमाइनो एसिड है वो क्या है, रीयूटिलाइज कर लिए जाते हैं, यानी वापिस काम में ले लिए जाते हैं मेटाबोलिज्म के अंदर। नेक्स्ट है हीम, तो हीम किस में कन्वर्ट होता है, बिलीवर्डीन के अंदर, यानी हीम ऑक्सीजिनेज एंजाइम के द्वारा हीम किस में कन्वर्ट हो जाता है, बिलीवर्डीन के अंदर, और बिलीवर्डीन फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, बिलरुबिन के अंदर, और एंजाइम कौन सा काम में आता है, बिलरुबिन रिडक्टेज, यानी हीमोग्लोबिन जो है सबसे पहले दो पोर्शन में टूटता है, हीम प्लस में ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन प्रोटीन चेन्स के अंदर तो क्या है, अमाइनो एसिड होते हैं जो वापिस काम में ले लिए जाते हैं। फिर हीम जो पोर्शन बचता है, हीम के अंदर से आयरन अगर अलग हो जाए तो क्या बन जाता है, बिलीवर्डीन। एंजाइम कौन सा काम में आता है, हीमोक्सीजिनेज। और फिर क्या है, अकेला बिलीवर्डीन जो ग्रीन पिगमेंट है वो किसमें कन्वर्ट होता है, बिलरुबिन में, यानी येलो पिगमेंट में। एंजाइम कौन सा काम में आता है, बिलरुबिन रिडक्टेज। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ हीम डिग्रेडेशन, यानी वही सेम प्रोसीजर है, बस इसके अंदर क्या है कि जो आगे का जो यूटिलाइजेशन है वो दिखाया गया है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को क्या है, सबसे पहले देखिए ब्लड सेल, ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन कंपोनेंट है जिसको दो पोर्शन के अंदर डिवाइड किया है, हीम और ग्लोबिन में। फिर हीम किस में कन्वर्ट हो रहा है, बिलीवर्डीन में, कौन से एंजाइम के द्वारा, हीमोक्सीजिनेज एंजाइम के द्वारा। फिर बिलीवर्डीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, बिलरुबिन के अंदर, बिलरुबिन रिडक्टेज एंजाइम के द्वारा। फिर बिलरुबिन कहां पे चला जाता है, बिलरुबिन चला जाता है लीवर के अंदर स्प्लीन से, एल्बुमिन प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेट होके। फिर बिलरुबिन किस में कन्वर्ट होता है, बिलरुबिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, लीवर के अंदर बिलरुबिन डाइग्लुकोर्नेट में। फिर बिलरुबिन डाइग्लुकोर्नेट के साथ अटैच होके, जो कि क्या है, वाटर सोल्यूबल बिलरुबिन है यानी पानी के अंदर घुलनशील है, वो किस में चला जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के अंदर बिलरुबिन से दो पिगमेंट बनते हैं, एक तो स्ट्रकोबिलिनोजन और एक यूरोबिलिनोजन। जो स्ट्रकोबिलिनोजन है वो तो क्या है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है फीसेस के अंदर यानी स्टूल के अंदर, और जो यूरोबिलिनोजन है, यूरोबिलिन है, वो किसके अंदर ऑब्जर्व कर लिया जाता है, वापिस ऑब्जर्व कर लिया जाता है इंटेस्टाइन से किडनी के अंदर। और फिर क्या है, यूरोबिलिन को भी क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है यूरिन के अंदर। यानी यूरोबिलिनोजन को या बिलरुबिन को दो कंपोनेंट में अपन डिवाइड करते हैं लास्ट में, ट्रकोबिलिन और यूरोबिलिन में। ट्रकोबिलिन तो स्टूल में एक्सक्रीट हो जाता है, और यूरोबिलिन किसमें एक्सक्रीट होता है, यानी बाहर निकलता है ह्यूमन बॉडी से, यूरोबिलिन में। नेक्स्ट है हीम डिग्रेडेशन, हीम डिग्रेडेशन के अंदर प्रोसीजर कौन सा है, तो सबसे पहले है हीम ऑक्सीजिनेज एंजाइम, जो सबसे पहले क्या है, हीम को कन्वर्ट करता है। इट क्लीवेज यानी ब्रेक डाउन द मिथाइलिन ब्रिज बिटवीन टू पायरोन ए एंड बी फॉर्म बिलीवर्डीन यानी ग्रीन पिगमेंट। यानी हीमोक्सीजिनेज एंजाइम क्या करता है, जो चार पायरोल चेन अटैच थी या पायरोल रिंग अटैच थी मिथाइलिन ब्रिज से, उनके अंदर से ए और बी जो मिथाइलिन पायरोल है या पायरोल रिंग है उनके बीच का जो मिथाइलिन ब्रिज है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, और ब्रेक डाउन करके उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, बिलीवर्डीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जो कि क्या है, ग्रीन पिगमेंट है। नेक्स्ट, सिम्यूल्टेनियसली यानी साथ साथ आयरन इज ऑक्सीडाइज टू फेरिक फॉर्म एंड रिलीज, और इसके साथ साथ ही क्या है, आयरन भी ऑक्सीडाइज हो जाता है फेरिक फॉर्म के अंदर, और क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है यानी बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट, इट डिग्रेडेशन टेक प्लेस इन टू रेटिकुलोसाइट सेल ऑफ लीवर एंड स्प्लीन, तो यह जो डिग्रेडेशन है हीमोग्लोबिन का वो रेटिकुलोसाइट में या रेटिकुलो एंडोथेलियम सेल्स में होता है, किसकी, लीवर की और स्प्लीन की। नेक्स्ट, बिलीवर्डीन इज एक्सक्रीट इन बर्ड्स एम्फीबियंस एंड मैमल्स,
इट जनरेट फ्रॉम वेयर डिग्रेडेशन, यानी बिल्ली ब्रीडिंग क्या है, बर्ड्स के अंदर, एम्फीबियंस के और मैमल्स के अंदर क्या है, एक्सक्रीट होता है या निकलता है, और इट जनरेट फ्रॉम वेयर डिग्रेडेशन, और ये बनता कहां से, किसी चीज के टूटने से, यहां पे किससे बन रहा है, हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन से। तो सबसे पहले है हीम ऑक्सीजिनेज एंजाइम, जो क्या करता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर हीम और ग्लोबुलिन दो पोर्शन अलग हो जाते हैं, तो हीम के अंदर जो चार पाइरोल रिंग है उनके अंदर ए और बी पाइरोल रिंग जो मिथाइलिन ब्रिज से जुड़ी हुई है उनका ब्रेक डाउन करता है, उनका ब्रेक डाउन करके मिथाइलिन ब्रिज को उनको किसमें कन्वर्ट कर देता है, बिलीवर्डिन के अंदर, जो कि कैसा है, ग्रीन पिगमेंट है। और इस रिएक्शन के साथ साथ आयरन का एक मॉलिक्यूल भी क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इट डिग्रेडेशन टेक प्लेस इन टू रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ लिवर एंड स्प्लीन, यह जो प्रोसेस है हीम डिग्रेडेशन का वो क्या है, लीवर और स्प्लीन ऑर्गन में कंप्लीट होता है। बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम, बिलीवर्डिन रिडक्टेज क्लीव्स मिथाइलिन ब्रिज बिटवीन द टू पाइरोल सी एंड डी आर रीयूज्ड या रिड्यूस्ड फॉर मिथाइलिन ग्रुप टू फॉर्म बिलीरुबिन, यानी क्या है, बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है, वो रिडक्टेज क्लीवेज यानी तोड़ता है मिथाइलिन ब्रिज को बिटवीन टू पाइरोल यानी दो पाइरोल के बीच में, कौन सी पाइरोल, ए और बी के बीच में से मिथाइलिन ब्रिज पहले ही टूट गया था, तो यहां पे किसके बीच में से टूटेगा, सी एंड डी के बीच में से मिथाइलिन ब्रिज टूट जाएगा, तो फिर वो फॉर्म बचा हुआ जो पोर्शन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बिलीवर्डिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बिलीरुबिन के अंदर, जो कि कैसा एक येलो पिगमेंट है। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन फाइनली जनरेट अबाउट 35 मिलीग्राम बिलीरुबिन, यानी 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का टूटना 35 मिलीग्राम बिलीरुबिन फॉर्म करता है। अप्रोक्सीमेटली 250 to 350 मिलीग्राम ऑफ बिलीरुबिन इज डेली प्रोड्यूस इन ह्यूमन एडल्ट, यानी 250 से 350 मिलीग्राम बिलीरुबिन क्या है, डेली फॉर्म होता है एडल्ट के अंदर, ह्यूमन एडल्ट के अंदर। शुरू से देखिए बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम क्या है, तो सबसे पहले तो हीम दो पोर्शन में टूटता है, हीम प्लस ग्लोबुलिन में, फिर हीम जो पोर्शन है वो किस में टूटता है, बिलीवर्डिन में, कौन से एंजाइम के द्वारा, हीमोक्सीजिनेज एंजाइम के द्वारा, फिर बिलीवर्डिन किस में कन्वर्ट होता है, बिलीरुबिन के अंदर, बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम के द्वारा। तो बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम देखिए, बिलीवर्डिन रिडक्टेज क्लीवेज यानी तोड़ता है मिथाइलिन ब्रिज बिटवीन द टू पायरोल यानी दो पायरोल के बीच में से, सी एंड डी के बीच में से, एंड रिड्यूस मिथाइलिन ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, बाहर निकाल देता है, टू फॉर्म बिलीरुबिन, और येलो कलर का एक बिलीरुबिन पिगमेंट फॉर्म करता है, बनाता है। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन फाइनली जनरेट अबाउट 35 मिलीग्राम बिलीरुबिन, यानी 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का टूटना क्या है, 35 मिलीग्राम बिलीरुबिन फॉर्म करता है। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेटली 250 to 350 मिलीग्राम बिलीरुबिन इज डेली प्रोड्यूस इन ह्यूमन एडल्ट, यानी 250 से 350 मिलीग्राम बिलीरुबिन क्या है, डेली प्रोड्यूस होता है किसके अंदर, ह्यूमन एडल्ट के अंदर। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ बिलीरुबिन इन लीवर, यानी जो बिलीरुबिन किसमें बनाया, स्प्लीन में बनाया, उसको अपन लीवर में कैसे ले जाएंगे। बिलीरुबिन इज ट्रांसपोर्ट इन द प्लाज्मा इन ब्लड फॉर्म टू एल्बुमिन, यानी बिलीरुबिन किसके साथ, एल्बुमिन प्रोटीन के साथ अटैच होके प्लाज्मा के अंदर किसमें चला जाता है, लीवर के अंदर चला जाता है। सबसे पहले बिलीरुबिन स्प्लीन के अंदर प्लाज्मा के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन के साथ अटैच होता है। नेक्स्ट एज द एल्बुमिन बिलीरुबिन कॉम्प्लेक्स एंटर इन द लीवर, यानी जैसे ही एल्बुमिन बिलीरुबिन जो कॉम्प्लेक्स है वो लीवर के अंदर एंटर होंगे, bilirubin disassociate and it takes up by hepatocyte by a carrier mediator activate transport. क्या होगा कि वो जैसे एंटर होंगे bilirubin क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा albumin से, disassociate हो जाएगा, and takes up by यानी किसके द्वारा, किसी सेल के द्वारा लिए जाएगा, hepatocyte यानी लीवर सेल के द्वारा, जिसका नाम क्या है, carrier mediator active transport, यानी carrier mediator active transport cells के द्वारा bilirubin को क्या है, कैच कर लिया जाएगा लीवर के अंदर। नेक्स्ट है कॉन्जुगेशन ऑफ बिलीरुबिन,
यानी कंजप्शन, यानी उसको क्या है अपन यूटिलाइज कैसे करेंगे या बाहर कैसे लगाएंगे। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले इन द लीवर बिल्यूबिन इज कॉन्जुगेटेड विद द टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोर्नेट स्लाइड बाय यूडीपी ग्लूकोर्नेट यानी यूरेसिल डाइफोस्फेट। लीवर के अंदर बिल्यूबिन क्या है, दो मॉलिक्यूल ग्लूकोर्नेट के साथ स्लाइड होता है, उसके साथ अटैच हो जाता है। दिस रिएक्शन कैटलाइज बाय बिल्यूबिन ग्लूकोर्निल ट्रांसफरेज। और यह जो रिएक्शन है वो किसके द्वारा कन्वर्ट की जाती है, कौन से एंजाइम के द्वारा, बिल्यूबिन ग्लूकोर्निल ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मोल सोल्यूबल बिल्यूबिन डाइग्लूकोर्नेट। और इस रिजल्ट का रिएक्शन का रिजल्ट क्या होगा कि वाटर के अंदर सोल्यूबल बिल्यूबिन डाइग्लूकोर्नेट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन ऑफ बिल्यूबिन, यानी बिल्यूबिन को ह्यूमन बॉडी से अपन बाहर कैसे निकालेंगे। तो कॉन्जुगेटेड बिल्यूबिन यानी वाटर के अंदर सोल्यूबल बिल्यूबिन इज ट्रांसफर इनटू बाइल एंड देन कन्वर्टेड इनटू टू फॉर्म ट्रिकोबिलिनोजन एंड यूरोबिलिनोजन। यानी क्या है, कॉन्जुगेटेड बिल्यूबिन फिर बाइल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है और जहां पर उससे दो फॉर्म बनती है, दो फॉर्म के अंदर वो जनरेट होता है, एक तो ट्रिकोबिलिनोजन के अंदर एक यूरोबिलिनोजन के अंदर। These two form of bilirubin is transported into large intestine and then trichobilinogen is excreted from the body with stool. पर यह जो दो फॉर्म है bilirubin की वो किसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर यानी बड़ी आंत के अंदर। और इसके अंदर से एक जो फॉर्म है यानी trichobilinogen है वो क्या कर दिया जाता है, ह्यूमन बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बाहर निकल दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी विद स्टूल यानी स्टूल के साथ में। स्टूल का जो येलो कलर होता है वो किसके कारण होता है, ट्रिकोबिलिनोजन पिगमेंट के कारण। नेक्स्ट यूरोबिलिनोजन इज रीऑब्जर्व्ड फ्रॉम द लास्ट इंटेस्टाइन एंड मोस्ट ऑफ पार्ट 75-80% इज एक्सक्रीट इन यूरिन। और यूरोबिलिनोजन है तो क्या है, वो वापस रीऑब्जर्व कर लिया जाता है इंटेस्टाइन की किडनी के अंदर एंड इसका मोस्टली यानी 75-80% यानी 75-80% जो पार्ट है वो किडनी से यूरिन के अंदर एक्सक्रीट कर दिया जाता है यानी बाहर निकाल दिया जाता है। यानी पूरा का पूरा बिल्यूबिन क्या है, ह्यूमन बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया दो फॉर्म में बना के, ट्रिकोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन के अंदर। ट्रिकोबिलिनोजन तो स्टूल में, यूरोबिलिनोजन यूरिन में। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा 20% यूरोबिलिनोजन रीऑब्जर्व इन लीवर। और बचा हुआ जो 20% यूरोबिलिनोजन है वो लीवर के अंदर रीऑब्जर्व कर लिया जाता है। फिर है बिल्यूबिन की नॉर्मल अमाउंट, तो नॉर्मल वैल्यू क्या होती है इसकी, 0.2 to 1.0 मिलीग्राम। अनकॉन्जुगेटेड बिल्यूबिन मतलब वाटर में अनसोल्यूबल यानी अघुलनशील, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0.2 to 0.6 मिलीग्राम। और कॉन्जुगेटेड बिल्यूबिन यानी वाटर के अंदर सोल्यूबल बिल्यूबिन, जिसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 0.2 to 0.4 मिलीग्राम। बिल्यूबिन टोटल अमाउंट डिटेक्टेड इन ब्लड बाय वांडिन ड्रग रिएक्शन। और बिल्यूबिन का जो ब्लड के अंदर अमाउंट होता है वो वांडेनबर्ग रिएक्शन के द्वारा अपन डिटेक्ट करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर होगा, आयरन स्टोरेज और ल्यूकोसाइट के ऊपर। थैंक्स टू ऑल।